से तबाही मची हुई है। कोसी गंडक, बागमती और पहाड़ी नदियों के उफान से उत्तर भारत में हाहाकार मचा है। कोसी बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। राजा सांसद मीसा ने नीतीश सरकार के बाढ़ प्रबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अगर पहले जाग जाती तो ऐसी तबाही को रोका जा सकता था। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत कई लद्दाखियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी उनसे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंची थी। हालांकि आतिशी का कहना है कि उन्हें सोनक वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, आतिशी ने इस मामले पर बात करते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा। चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच बालाकैंट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, आज से पहले कभी लोगों में इतना उत्साह देखने को नहीं मिला। आगे उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और देश के अन्य भागों में लोग प्रदर्शन कर मातम मना रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो देश के वीर जवान शहीद होते हैं उनके लिए आप मातम मनाते नहीं हैं। बिहार में इस साल की बाढ़ ने राज्य के कई जिलों में गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया। लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं, जबकि किसान भी फसलों के भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। इन हालातों के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस हवाई सर्वेक्षण का उद्देश्य था बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के काम को और अधिक प्रभावी और तेज बनाना। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान रविदास मेहरोत्रा ने अयोध्या में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले पर कहा कि एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उस मामले में सपा नेता मोहित खान को आरोपी घोषित कर दिया गया। जब बाद में इस मामले में डीएनए टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट में साफ किया गया कि मोहित खान ने दुष्कर्म नहीं किया। वहीं बीजेपी सरकार ने इससे पहले ही मोहित खान पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल भेज दिया। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और देश में बढ़ रही महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ अजमेर शहर जिला कांग्रेस ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस बीच कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसानों के लिए दिल्ली के दरवाजे बंद हैं। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहता है तो वो अपनी आवाज राजधानी में आकर ही उठाएगा, तो उनके लिए आपने ताले लगा दिए। और इतना ही नहीं, आपने राजघाट पर भी ताले लगा दिए। राजघाट तो एक तीर्थ स्थान है, ये पाप है। हरियाणा के चुनावी दंगल में स्टार प्रचारकों के अलावा नेताओं के परिवार की महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धर्मपत्नी आशा हुड्डा अपनी एक खास शैली में वोटरों को लुभा रही हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी किसी का नाम लेने से गुरेज कर रही हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी बात को मतदाताओं तक बखूबी पहुँचा देती हैं। उन्हें चुनावी महफिल को लूटना खूब आता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक चुनाव प्रचार किया है, वहाँ के लोग बीजेपी से सख्त नाराज हैं। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं दिया। वहाँ पर दवाइयों और बेरोजगारी की काफी दिक्कत है। जम्मू कश्मीर की जनता के कुछ अधिकार भी छीने हैं बीजेपी ने। देखना इस चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा।